अरे तुम मुझसे क्या चाहते हो मेरे मोर मित्रों? अच्छा तो कैसी धुन बजाऊं? हाँ बड़ा नेक विचार है। जितने सुंदर हो उतने ही दयालु भी, इसे मैं अवश्य धारण करूंगा। तुमने इनका भी हृदय चुरा लिया कृष्णा, और अब मैं भी कुछ चुराना चाहता हूँ। बताओ तो क्या है वो? मैं ढेर सारी घास? नहीं भेड़। तुम कहीं पागल तो नहीं हो? पकड़े गए तो दंड मिलेगा। नहीं नहीं सच में नहीं मधु, हम खेल खेल में भेड़े चुराएंगे। चलो चलो चोर सिपाही वाला खेल खेलें। देखो मैं तो पक्का चोर हूँ। वो तो तुम हो सुबाला, परंतु बलराम और मैं भी एकदम पक्के सिपाही हैं। मैं हूँ चरवाहा और बाकी के लड़के मेरी भेड़े बनेंगे। मैं भेड़ नहीं बनूंगा, मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। तुम्हें ढेर सारी स्वादिष्ट घास खाने को मिलेगी। आजा मधु चख के देख, बड़ी स्वादिष्ट घास है। अपनी भेड़े संभालो श्रीधाम, मेरे जैसे चोर से इन्हें बचाना असंभव है। ब्राह्मण एक बात बताओ, कंस के भेजे सारे राक्षसों का वध कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता। तुम्हें अवश्य पता है। बताओ। वो मात्र एक बालक है। विष्णु का ही नाम, विष्णु का ही नाम। उसका नाम बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा ब्राह्मण, वो बालक तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाला। बालक वो रहे, अवश्य इनमें से ही कोई कंस का काल होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। चलो 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 चलो। इस बार मैं सुदामा की नाक के नीचे से ये सारी भेड़े चुरा ले जाऊंगा। अरे वो मेरी भेड़े हैं। हाँ मेरी भेड़े। सिपाही सिपाही, इस चोर ने मेरी भेड़े चुरा ली। अरे हम समझे थे सुबाला चोर है, तुम कौन हो? मैं हूँ व्योमासुर। और मैं तुम्हें चुरा रहा हूँ। मुझे तो लगा था कृष्णा मुझे पकड़ ही लेगा।
यदि सुबाला अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा तो पंचायत बुलाई जाए। मैं बनूंगा सरपंच। परंतु मैं निर्दोष हूँ। तुमने सुना कृष्णा, सुबाला निर्दोष है। मैं इस पंचायत का सरपंच हूँ। तनिक बताओगे तुम कौन हो? मैं उसका पक्ष लूंगा। इसका पक्ष लोगे तो ठीक है। श्रीधाम के आरोपों का सामना करके बलराम सुबाला को निर्दोष सिद्ध करेगा। इसे अपना ही घर समझो स्वादिष्ट मित्रों, थोड़ी देर में मैं बाकी की भेड़े लेकर लौटता हूँ। तब तक जितना चाहो चीख पुकार मचा लो। सूर्य पूजा के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रही। मैं भी अपने नए वस्त्रों में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। सूर्य देवता अपने विनम्र भक्तों को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। वो और भी प्रसन्न हो जाएंगे जब वो हमारा स्वादिष्ट चढ़ावा चखेंगे। आशा है चंद्रिका और प्रभावती मैया को अब तक पूजा कराने के लिए कोई योग्य पुरोहित मिल गया होगा। वो क्या था? एक विशाल हंस शायद। मुझे तो कोई गिद्ध लगा। श्रीधाम, अब अपने अगले साक्षी को बुलाओ। मैं चारू को बुलाता हूँ। क्षमा चाहता हूँ सरपंच जी, श्रीधाम चारू को साक्षी नहीं बना सकता। क्यों नहीं? क्योंकि चारू भेड़ है और भेड़ बात नहीं करती। वो भेड़ नहीं, वो लड़का है। हाँ, परंतु जब अपराध हुआ तब वो भेड़ बना हुआ था, तो उसे बात भी भेड़ की तरह बतानी पड़ेगी। ठीक है चारू, मेरा मतलब मेरी प्रिय भेड़, क्या तुमने सुबाला को बाकी भेड़े चुराते हुए देखा? देखा? इसने हाँ कहा? नहीं, उसने कहा बाह। परंतु कृष्ण ने इसे सर हिलाते देखा, इसका मतलब है हाँ। श्रीधर ठीक कह रहा है, जब हम सिर हिलाते हैं इसका मतलब होता है हाँ, परंतु जब भेड़ सिर हिलाए उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ? जैसे उसका गला अकड़ गया हो या उसे मक्खियाँ सता रही हो। लगता है मधु की नाक में भी मक्खी घुस गई है। मेरी नाक में कोई मक्खी नहीं है, एक अद्भुत सुगंध घुस रही है। लड्डू, रसगुल्ला और संदेश। वहाँ मैं और मधु थोड़े और प्रमाण जुटा कर लाते हैं, तब तक ये पंचायत स्थगित की जाती है। परंतु मेरी चोरी हुई भेड़ों का क्या? अपने भेड़ों का ध्यान रखा करो। क्या हुआ? मधु और मैं चोर का पीछा कर रहे हैं। चोर? पर कहाँ? उस ओर। उसने हमारा भोजन चुराया। भूखे प्यासे होते हुए भी हम जहाँ तक उसका पीछा कर सकते थे हमने किया। और ये भी संजोग है ना कि तुम्हें हम रसगुल्ले और संदेश के साथ यहाँ मिली। और लड्डू भी। मधु को भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं और मुझे भी। ओह, परंतु तुम लोग चाहो तो अपनी थोड़ी सी मिठाइयाँ हमें देकर हमें भूखे मरने से बचा सकती हो। ओह, एक लड्डू से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे? मेरे विचार से दो हो तो अच्छा है। अच्छा, तुम्हें एक भी नहीं मिलने वाला। ये सूर्य पूजा के चढ़ावे के लिए है, काल्पनिक चोरों का पीछा करने वाले चतुर लड़कों के लिए नहीं। सूर्य पूजा वो आज है क्या? मुझे विश्वास है जो भी पुरोहित सूर्य पूजा करा रहे हैं वो बुरा नहीं मानेंगे यदि तुम थोड़ा सा चढ़ावा दो भूखे गोपालों को दे दोगी।
चाहो तो पूजा के बाद दे दो। कृष्णा सही कहता है, चूँकि सूर्य पूजा बाल गोपिकाओं के लिए होती है, पुरोहित जी को बाल गोपालों को थोड़ा सा चढ़ावा देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक कहा मधु, मैं तुम्हारी बात पुरोहित जी तक अवश्य पहुँचाऊँगा। वैसे पुरोहित कौन है? वो तो तुम्हें चंद्रकार प्रभावती मैया ही बता सकती हैं। वो ही पुरोहित देखने गई हैं। तुम इन्हें जाने दे रहे हो कृष्णा? हमें एक भी मिठाई नहीं मिली। एक मिठाई से हमारा क्या होगा जब हम पूरी की पूरी ले सकते हैं? पूरी की पूरी? मैं भी आ रहा हूँ। चलो चलो चलो। मुझ पर चोरी का आरोप तो सिद्ध होना ही है, कुछ भेड़े सच में ही चुरा लेता हूँ। बेचारी लड़कियों ने सूर्य पूजा की बड़ी तैयारी की है प्रभावती, यदि हमें पुरोहित न मिला तो वो बड़ी निराश होंगी। चंद्रिका देखो, पुरोहित। दो दो, सूर्य भगवान ने हमारी सुन ली प्रभा। तुम्हें विश्वास है ना सूर्य भगवान हम पे गुस्सा नहीं होंगे? कृष्णा, हम एक पवित्र पूजा कराने जा रहे हैं मधु, वो प्रसन्न होंगे। सुनिए, क्या आप दोनों ब्राह्मण पुत्र हैं? जी हाँ देवी। क्या मैं आपका नाम और गांव का पता पूछ सकती हूँ? मैं विश्व शर्मा हूँ, मथुरा से। हम गर्गाचार्य के शिष्य हैं। वाह अति उत्तम, सूर्य पूजा के लिए हमें ऐसे ही गुणों और ज्ञानी ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मुझे प्रसन्नता होती देवी, किंतु हम केवल बच्चों की पूजा करते हैं। ये पूजा भी हमारी नहीं, हमारे परिवार की नन्ही कन्याओं की है। कन्याएं? ओ नहीं नहीं नहीं, हम कन्याओं से बिल्कुल दूर रहते हैं, है ना विश्वजी? बिल्कुल, और हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, केवल भगवान सूर्य की। परंतु हम भी आपको और कुछ नहीं करने के लिए कह रहे, हमें तो सिर्फ सूर्य देव की ही पूजा करानी है। आ, सूर्य पूजा, तब बात अलग है। तो क्या कहते हो शिष्य? अलग है? हाँ अलग बात है। तो ठीक है, हम तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेते हैं। आज दोपहर में सूर्य कुंड मंदिर में आ जाइए, सारे चढ़ावे के साथ हम पूजा करवा देंगे। चलो चलकर ये समाचार राधा ललिता और विशाखा को भी दे दें। इतना चिल्ला कर स्वयं को थकाओ मत ग्वालो, जब मैं लौटूंगा मुझे तुम्हारा भेड़ों सा नरम मांस चाहिए। कृष्णा तुम्हें रोकेगा, उसने राक्षसों का वध करके हमेशा हमारी मदद की है। कृष्णा? ओ तो वो है ये जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरे विचार से इस बार वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये हैं ब्राह्मण विश्व शर्मा मथुरा से, और ये उनके शिष्य, यही हमारी सूर्य पूजा करवाएंगे। आसन ग्रहण करें, इतना निकट नहीं, चढ़ावों को पास में रखा जाए। स्वस्ति रिचम शास्वात् मंत्रे नानेना पद्यादीन मित्रायत्व समर्पया। ओम मित्राय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा।
आपका धन्यवाद ब्राह्मण देवता, हमने आज तक कभी ऐसे सुंदर मंत्र नहीं सुने। लीजिए अपनी दक्षिणा स्वरूप ये मोती लेकर हमें अनुग्रहित करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी, हमारी सच्ची दक्षिणा तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता में ही निहित है। परंतु आपको दक्षिणा से प्रसन्न किए बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी ब्राह्मण देवता। अच्छा अगर ऐसा है तो हम थोड़े से लड्डू स्वीकार कर सकते हैं। और थोड़ा सा संदेश। क्या मैंने आपको बताया कि मेरे गुरुदेव को रसगुल्ले पसंद है? हमें प्रसन्नता होगी अगर आप ये पूजा हर महीने हमारी गोपिकाओं के लिए करें। ये तो हमारा सौभाग्य होगा, सच्चा सौभाग्य। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने भी कभी इतने भले और महान पुरोहित नहीं देखे। और मैंने भी कभी ऐसे मिठाई के भूखे पुरोहित नहीं देखे। यदि आप हमारी गोपिकाओं के लिए ये पूजन हर मास करवा सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और अगली बार हम कहेंगे कि वो प्रसाद में थोड़ा श्रीखंड भी दे। तुम इतनी देर तक थे कहाँ कृष्णा? ये किसी समस्या का समाधान कर रहा था। और समाधान बड़ा स्वादिष्ट निकला, लो तुम भी चखो। तो अब हम तुम्हारा फैसला करें सुबाला। फैसले की क्या आवश्यकता, अब उसका अपराध साफ दिखाई दे रहा है। देखो अब तो उसने मेरी सारी भेड़ें चुरा ली। नहीं मैंने नहीं चुराई। तो फिर वो कहाँ गई? हवा में अदृश्य हो गई? मुझे पता है वो कहाँ है। वो पास की गुफा में प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्णा उनकी रक्षा करे। मैं हूँ कृष्ण, तुम कौन हो? मैं हूँ व्योमासुर, मैं उन सभी खोए लड़कों को खा जाऊंगा। एक बार तो हिम्मत कर लूं। कृष्णा तुमने हमें बचा लिया, पता था तुम सर।
हूँ।